अंबेडकर के दुश्मन नंबर 5, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। ये बिकाऊ नेता, इन्होंने हमारे मिशन को बर्बाद कर दिया। बाबा साहब को बेच बेच कर अपना घर चला रहे हैं, बाबा साहब को बेचकर रोटी खा रहे हैं। ये सभी जितने नेता हैं, ये जो बाबा साहब को बेच रहे हैं, ये भड़वे दलाल हैं, ये चोर हैं, ये उचक्के हैं, ये डकैत हैं। ये बातें आप लगातार सुन रहे हैं और मैं भी सालों से सुन रहा हूं, बचपन से सुन रहा हूं। हर जगह चार नारे लगाने वाले आ जाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा, और इन चोर गद्दारों को देखेंगे, बहुत सारी बातें। और हर एक नेता अपने भाषण में चोर दलाल और भड़वों को खूब गाली बकता है, और जितने भी आके भाषण देते हैं बाबा साहब के ऊपर, वो सभी ये कहते हैं कि इन नेताओं ने, इन दलालों ने बाबा साहब के मिशन को खत्म कर दिया, खराब कर दिया, बेच दिया, बेच के खा गए। ये रोजी रोटी चला रहे हैं, इनका जो काम है वो बाबा साहब को बेच के अपना घर चलाना है। बचपन से सभी नेता एक दूसरे को बोलते हैं, मंचों से खूब बोलते हैं। जब आपको पता है कि मिशन के दलाल मिशन को मिशन बेच रहे हैं, जब आपको पता है कि ये भड़वे दलाल हैं, जब आप इस बात को मन से चिल्ला रहे हैं कि इन भड़वे दलालों ने पूरा मिशन खराब कर दिया, जब आपको पता है कि ये भड़वे हैं, दलाल हैं, मिशन को बेच रहे हैं, आप जानते हो, अच्छी तरह से आप समझा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आपका क्या एक्शन है? आपने इन भड़वे दलालों को, मिशन के बेचने वालों को, बाबा साहब के गद्दारों को, चोरों को, डकैतों को जानते हुए क्या किया? सिर्फ हमें भाषण देने के लिए? सिर्फ ये बताने के लिए कि देखो मैं जानता हूं और मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं कि ये भड़वे दलाल हैं, ये चोर हैं, ये उचक्के हैं, इन्होंने बाबा साहब का मिशन को खत्म कर दिया? आप अपनी विद्वता को हमारे ऊपर लाद रहे हो, हम पे बुद्धि ब्लास्ट कर रहे हो आप। हम जनता हैं, हम बैठे हुए आपका भाषण सुन रहे हैं। जब आपको ये समझ आ गई कि ये मिशन भेजा जा रहा है, तो आपने रोका क्या? क्या आपने एक्शन लिया? क्या काम किया? क्या आप सिर्फ बताने के लिए हो कि ये चोर भड़वे दलाल हैं और इन्होंने ऐसा किया है? कोई एक्शन नहीं लोगे आप? क्या आपकी इनसे कुछ मिली जुली है बात? क्या सिर्फ चिल्लाने के लिए है? कोई सांठगांठ है आपकी? आपको क्या डर लगता है इनसे? या आपको कोई एक्शन लेने में कोई रोकता है? कि जितनी जनता को आप बता रहे हो, उसने कभी आपसे कहा कि आप सिर्फ हमें बताना, कुछ करना मत, हम आपके साथ नहीं है? कभी आपने कोई प्लान बनाया कि बाबा साहब के मिशन को जो बेच के खा रहे हैं, उनको एक्सपोज किया जाए, उनको बताया जाए, उनको प्रचारित किया जाए, उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए? कोई एक्शन प्लान बनाया आपने? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सब मिलके बाबा साहब के मिशन को बेच रहे हैं और हमसे कहते जा रहे हैं कि बाबा साहब का मिशन बिक गया, ताकि हम आपसे ना पूछें कि बिका कैसे आपके होते हुए? आप कैसे नेता हो? आप कैसे लीडर हो? आप कैसे अगुवा हो समाज के? आपकी क्या बुद्धिमत्ता है? आप कितने इंटेलेक्चुअल हो? आप कितने जान पहचान हो? इस डर से कि हम ना पूछ लें, आप बार बार ये कह के चले जाते हो कि ये मिशन ऐसा हो गया और वैसा हो गया, एक्शन कुछ नहीं? हमने तो कभी नहीं कहा आपको कि आप हमें बताओ। आप हमें क्यों बताते हो? क्या जताना चाहते हो और क्या बताना चाहते हो? इससे फायदा क्या होगा बताने से, जब आप कुछ करेंगे नहीं, जब आपके पास कोई प्लान नहीं, जब आपके पास कोई एक्शन नहीं? क्या आपने अपने आप को देखा है कभी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उसी जमात में शामिल हैं और बाबा साहब के मिशन को लूट रहे हैं और खसोट रहे हैं, और बार बार हमें आके कह रहे हैं ताकि हमारे जैसे लोग या और जो लोग हैं वो आपसे प्रसन्न ना करें? क्योंकि सबसे पहले ये समझ लें कि बाबा साहब ने जो संगठित होने के लिए कहा, वो फार्मूला है क्या? ये जो बाबा साहब का मिशन है वो है क्या? क्योंकि आपने तो कभी ये भी नहीं बताया कि बाबा साहब का मिशन बेसिकली है क्या। जितने लोग आपका भाषण सुनते हैं वो एक तरफा होते हैं, कोई सवाल के जवाब तो देता नहीं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि बाबा साहब का मिशन क्या है। क्योंकि बाबा साहब की 40-45 किताबें पढ़ के और अपना टैग ये लगा लेना, अपने बुद्धि पे ये लगा लेना कि मैं तो बाबा साहब के लिटरेचर को सबसे ज्यादा पढ़ा हूँ, सबसे ज्यादा जानता हूँ, और उसको कोड करके जब आप भाषण में बोलते हैं कि ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, तो सामने वाले को कुछ नहीं समझ में आता कि वो लाइन क्या है क्या नहीं है। हमें तो एक्शन चाहिए। हमें पढ़ के आपसे क्लास में बीए पास नहीं होना है। आपने उन लाइनों पर क्या एक्शन प्लान बनाया जो बाबा साहब देखे गए हैं? आप जो लीडर बनते हो, आपने बाबा साहब के पूरे मिशन को पढ़ा, तो मिशन में क्या सीखा आपने? सबसे पहला है उनका, संगठित रहो। क्या आपने वो लाइन पढ़ी कि संगठित रहो? संगठित रहो का मतलब क्या है? सिर्फ ये है कि क्या आप हमें ये कहते रहो कि संगठित हो जाओ, संगठित हो जाओ? संगठित होने का मतलब बहुत वाइड है जो बाबा साहब ने कहा है।
संगठित होने का मतलब ये है कि संघ बनाना है और संघ एक ही होगा। संघ 50 नहीं होंगे, संघ 1000 नहीं होंगे, संघ 10000 नहीं होंगे। और संगठित रहने का मतलब है कि सारे जितने भी तरह के काम हैं वो एक ही संघ और एक ही संगठन में होने हैं, अलग अलग नहीं बनेंगे किसी भी हालत में। फिर उसको संगठन नहीं बोलते, वो असंगठन बोलते हैं। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि असंगठित हो और संगठित होने का नाटक करो। क्या संगठित होना है? सबसे पहले नेताओं को संगठित होना है, सब प्रकार के नेताओं को, चाहे वो धार्मिक है, चाहे राजनीतिक है, सरकारी कर्मचारियों का है, चाहे प्राइवेट कर्मचारियों का है, चाहे महिलाओं का है, चाहे वो बच्चों का है, चाहे स्टूडेंट का है, चाहे छात्रों का है, चाहे वो दल बल सेना संगठन का है, चाहे वो पैंथर पार्टी का है, चाहे वो बुद्धिमान लोगों का है, चाहे वो पढ़े लिखे लोगों का है, चाहे वो प्रोफेसरों का है, चाहे वो टीचर का है, चाहे वो जो लेखक संघ है उनका है, चाहे नाटककार हैं, ये जितने भी हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, ये जितने भी धड़े हैं, चाहे देश में या विदेश में हैं, उन सबको संगठित होना है। असंगठित होने के लिए नहीं बोला है बाबा साहब ने, अपने कानों में तेल डाल लीजिए, असंगठित नहीं होना है और हमको असंगठित भी मत कीजिए, संगठित होना है, एक संघ बनाना है, एक ही संघ की बात है। तो इसको समझिए, हमको पढ़ाना बंद कीजिए कि संगठित हो जाओ, संगठित हो जाओ, खुद पढ़ो कि सारे नेता पहले संगठित हो जाएं। जितने भी ये स्थल हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो भवन हैं, चाहे अम्बेडकर भवन हैं, चाहे वो जितने भी बुद्ध विहार हैं, चाहे कबीर विहार हैं, चाहे रविदास विहार हैं, या जो भी समर समाज के लोगों के हैं, वो सभी धम्म के स्थल इकट्ठे हो जाएं। जितने प्रबुद्ध लेखक संघ लोग हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं, जितने सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स वगैरह हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं। इसको बोला है उन्होंने, संगठित होने के लिए। 70 साल में एक उम्मीद की किरण नहीं है आपके पास में, आप अलग अलग हैं, असटंगित हैं। ये तो सुकर समझिए कि 2 अप्रैल जैसे इंसिडेंट में, उस इंसिडेंट की वजह से, उस घटना की वजह से ये बात पता चल गई पूरी दुनिया को कि हम लोग संगठित हैं। जो हम साधारण लोग हैं, जो साधारण घरों में लोग रहते हैं, वो निकल के सड़कों पे आए अपने अधिकार बचाने के लिए। आप उस दिन भी गायब थे, आप दूर दूर तक नहीं दिखाई दिए, हालांकि हमें आपकी जरूरत नहीं पड़ी। और इससे हमें पता चल गया कि आपके होने या ना होने का हमें कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा शिक्षित रहिए। अब शिक्षित रहने का मतलब यह नहीं है कि आप कॉपी पेस्टर हो जाएं। कॉपी पेस्टर का मतलब है कि आपने कहीं से किताब पढ़ी और वो ऐसी की ऐसी पेल दी, या तो उसको लिख के डाल दिया, या आपने वो बोल दी, या आपने उसका वीडियो बना दिया, या आपने उसकी कथा सुना दी, या आपने वो धौंस दिखा दी कि देखो बाबा साहब ने यहाँ 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 ऐसे कोट किया, या कबीर दास ने ऐसा ऐसा यहाँ कोट किया, या रविदास जी ने यहाँ यहाँ ऐसा कोट किया। वो कोट मत कीजिए, कॉपी पेस्ट मत कीजिए। उन्होंने वो काम किए थे और आपके लिए करने को बोले हैं, इस बात के लिए नहीं बोले कि आप पढ़ के उसको धकियाते फिरे, इसलिए बोला पढ़ के उसको करें और करवाएं लोगों से। इसको व्यवहारिक शिक्षा बोलते हैं। एक शिक्षा जो जमाना सीख रहा है और ले रहा है वो है व्यापारिक शिक्षा। व्यापारिक शिक्षा होता है शब्द ज्ञान लेना, डिग्रियां लेना, ताकि वो अपनी नौकरी रोजी रोटी में खा सके, कमा सके। अधिकतर लोगों ने तो यही समझ लिया है कि जो व्यापारिक शिक्षा है वही शिक्षा के लिए बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब ने व्यापारिक शिक्षा के लिए नहीं कहा है, बाबा साहब ने व्यवहारिक शिक्षा के लिए कहा है, जो व्यवहार में हमारे फायदे के लिए आती है। उसके लिए अक्षर ज्ञान और डिग्री होने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आपको प्रज्ञा और प्रबुद्ध होने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, जो अपने आप को टीचर कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े भाषण बोलेंगे जिन्हें कहाँ कहाँ से अंग्रेजी पंग्रेजी में किताबों फॉरेन राइटर्स की, यानी अपना तो उनको कोई किताब अच्छी लगती नहीं, ना तो वो बुद्ध का साहित्य है, ना जो अपने 250 महापुरुष उनका साहित्य है। फॉरेन फॉरेन फॉरेन, कहाँ की ये किताब? फॉरेन की, विदेशी किताब है। उस विदेशी किताब को ऐसा कोट करते हैं और हमारे जैसे साधारण लोग सुनते रहते हैं दबा दबा के, क्योंकि सामने वाले की इज्जत करते हैं, सामने वाले को अपना मसीहा मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, तो ताली भी बजाते रहते हैं। समझ में कुछ नहीं आता। क्या समझ में आएगी? एक किताब जो भाषण दे रहा है वही 3 बार पढ़ के आता है, रट के आता है कोडिंग करने के लिए, हमें क्या 1 बार में समझ में आएगी? मगर वो इतने जोरदार शब्दों में उसको रखेगा जैसे कितना बड़ा ज्ञाता है, और वो अपना ज्ञान का पूरा भंडार हमारे ऊपर डाल के निकल लेता है और रात को आराम से सोता है कि मैंने तो आज बहुत कुछ पढ़ा दिया, फायदा तो हमें कुछ हुआ नहीं, 70 साल में हम तो वहीं पढ़े हैं। छोटा सा ज्ञान हमें दे जाता कि मैं संगठित हूं और हमने नेता भी संगठित कर लिए हैं, तो कम से कम हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो तो रुक जाती। उस ज्ञान में नहीं आएगा, वहां तो ईगो से भरा पड़ा है, वहां तो उसका अहम है, वहां तो नेताओं में कंपटीशन लगा हुआ है कि मैं ज्यादा जानता हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, और तू ऐसा और तू वैसा, और वो एक ही नहीं होते। वह बाबा साहब के पहले सिद्धांत को भी नहीं मानते और दूसरे को भी नहीं मानते। क्या कहा तीसरे सिद्धांत में बाबा साहब ने? संघर्ष करो या कराओ या सिखाओ,
संघर्षरत रहो या इसको संघर्ष को मेंटेन करो। जब संगठित ही नहीं हो सकते तो असंगठित आदमी संघर्ष नहीं कर सकता, और जब व्यवहारिक ज्ञान ना हो और व्यवहारिक शिक्षा ना हो, डिग्री वाला ज्ञान हो, डिग्री वाली हो, या जो सरकारी पोजिशन होल्डिंग कर रखी है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी अपने पीछे पूछ लगा के चलता है या नाम के पहले अपनी पूछ लगा के चलता है डिग्रियों की, तो वो व्यवहारिक नहीं होता, वो व्यापारिक ज्ञान और व्यापारिक ध्वंस होती है कि देखो मैं इतना बड़ा अफसर हूं, देखो मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, तो मेरी बात मानो। ये व्यवहार में नहीं आती। बुद्ध के पास में कोई डिग्री नहीं थी। बुद्ध ने पूरी दुनिया पे आज भी राज करते हैं क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान उनका सुप्रीम रहा है। कबीर के पास कोई डिग्री नहीं रही है, रविदास जी के पास कोई डिग्री नहीं है, वो बिना डिग्री के लोग हैं। जो काशीराम जी ने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं डॉक्टरेट बनूंगा या पीएचडी करूंगा या ये करूंगा तब जाके बात बनेगी। सिंपल सादा काम करने लगे, लोगों को इकट्ठा करने लगे, लोगों को व्यवहारिक ज्ञान देने लगे। व्यवहारिक ज्ञान से थोड़ा बहुत बचा तो बचा, अव्यवहारिक ज्ञान से और डिग्री वाले ज्ञान से तो वो भी लुढ़क गया, वो भी चला गया। तो जब आप संगठित नहीं हो सकते और जब आपकी व्यवहारिक शिक्षा नहीं हो सकती है तो आप भूल जाओगे, आप संघर्ष करोगे। आप संघर्ष नहीं कर रहे हो, आप तो पिटने जा रहे हो, आप मरने जा रहे हो। क्योंकि आप बिना व्यवहारिक ज्ञान के और बिना संगठन के आप जहां भी जाओगे तो ये निश्चित है कि आपका शोषण होगा, आपकी पिटाई होगी, आप मारे जाओगे, आपको प्रताड़ना मिलेगी, आप अवसाद में चले जाओगे। आप अकेले अगर जूझोगे तो कोई साथी आ नहीं पाएगा क्योंकि संगठन आपका है नहीं, आपको लड़ने में दिक्कत होगी, आपके अधिकार बचेंगे नहीं, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप डिप्रेशन का उदाहरण बनोगे, यानी पिटे हुए का उदाहरण बनोगे, तो मायूसी फैलाओगे उस समाज के अंदर। इसलिए जब तक संघर्ष मत करो आप, जब तक आप संगठन ना बना लो, और जब संगठन आप बना लो और उसमें व्यवहारिक ज्ञान आपके पास आ जाए तो संघर्ष करने की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी। दुनिया में पूरी दुनिया के अंदर जो भारत के लोग हैं और खास तौर से SC ST जो OBC लोग, दबे कुचले लोग हैं, ये सबसे ज्यादा तो रैली कर रहे हैं, सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ये वैचारिक रूप से मजबूत हैं। बस थोड़ी सी कमी है तो वो ये है कि इनका जो नेता है वो अभी नेता नहीं है, उसमें नेता की काबिलियत नहीं है, वो एक होने को तैयार नहीं है चाहे भले ये सारे लोग मर जाएं। तो अब आपकी ड्यूटी है कि आप इस नेता को कैसे सीधा करेंगे। जो सबसे सही कारण लोगों में आ रहा है निकल के वो ये है कि इनकी सप्लाई लाइन को बंद कर दिया जाए, इन्हें जो दिया जाता है वो बंद कर दिया जाए, इन्हें जो भोजन प्राप्त होता है वो बंद किया जाए। क्या किया जाए? ना तो इनको वोट दी जाए, ना इनको नोट दिया जाए, ना इनको सपोर्ट दिया जाए, और ना इनको माना जाए, इनकी मान्यता दी जाए। ये चार काम तब तक के लिए सस्पेंड किए जाए, तब तक के लिए ये निलंबित किए जाए, तब तक ये ना किए जाए जब तक सारे इकट्ठे होके ना आए। क्योंकि जो नेक होगा वो एक हो जाएगा, और जो नेक नहीं होगा वो एक नहीं हो जाएगा, तो उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। ये बात घर घर में जन जन तक जितनी जल्दी आप पहुंचा देंगे, आपका पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा, आपके बच्चों की शिक्षा बचेगी, आपके बच्चे बचेंगे, भारत बचेगा। भारत में जब सब लोग शांत हो जाएंगे और बहुत ज्यादा काम करेंगे तो भारत दुनिया में सबसे आगे हो जाएगा। क्योंकि अशांत लोगों से कभी भी कोई भी देश आगे नहीं बढ़ता, दुनिया के कोई भी लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर किसी देश में अशांति हो तो दुनिया के लोग वहां जाना पसंद नहीं करते, ना ही व्यापार करना पसंद करते हैं, ना ही उसका जिक्र करना पसंद करते हैं, ये सब जानते हैं। धन्यवाद।